अरे भाई इसको काम मारा 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 झाड़ू मारा बस एवढं मारतो काम वाढलं हो 9 आज तो कल जाएगा 6 to 9 वो भी है ना उसके साथ क्या अच्छा दोनों तो वेला काम करतो 6 to 9 आणि 6 to 9 वर्किंग आवर्स हां तो मूवी है एक नंबर फोटो था वही फोटो काम अरे बैग लेके आया उठाएगा क्या आएगा पीछे का बोला याद है अरे पता नहीं बात किसने बोला नहीं और कुछ नहीं बोला ना मतलब उसने फोन किया चाहेंगे 3-4 बार चल जल्दी रेडी हो मैं आ रहा हूं मैं अभी बाबा उठला घे आता पार्टी लगेच तू ये तो स्टाईल आहे ना अच्छा काल हा होता एक आहे ना कोणचा कुठे नहीं अंदर भी गया बच्चा आज शायद गेला मस्त भेटलो राजपाल भाई 2 मिनट रुक जाइए ना भाई तो मुलाकात हुई कैसा रिस्पॉन्स बहुत बहुत अच्छा लगा और इतना इतना अच्छा फील हुआ कि क्या बताएं और बहुत दुआएं करता हूं बाबा के लिए और बाबा की ज़िंदगी दोबारा फिर रॉक हो जाए और हम सब बाबा के बहुत चाहने वाले हैं और हमने बाबा इतने अच्छे को एक्टर रहे हैं इतना सपोर्ट करते हैं अब सभी एक्टरों का तो बाबा से मिलके मज़ा आ गया उनके चेहरे की खुशी देख के हमारा दिल बात पहला रिएक्शन क्या था बाबा का बस गले मिल गए एक दूसरे को देख के बगैर शब्द थे ही नहीं हम लोगों के पास थैंक यू अरे मस्त So just a second. माइक पहले मंगा के। अरे एक सेकंड भाई, एक सेकंड। अरे सर ये अगेंस्ट लाइट आ रहा है, तो थोड़ा शेड में ले लें। आओ आ लो। बूम अपना फोटो ले लेते हैं। तुम्हें सर एक हां ले ले, हां ले ले, तुम्हें सर थोड़ा आगे नेक्स्ट वाले। सुमित जी पीछे आ रहे हैं, तुम्हें सर सामने। थैंक यू, थैंक यू। हां चलो पूछिए। रोल हां मैंने मॉम वेलकम। थैंक यू। मैंने संजय से मुलाकात हुई, क्या आप कैसा रहा? एक शांति का एहसास हुआ कि बहुत लंबी रात के बाद फिर से सुबह हुई है। हम सबको उसके संजू के सारे दोस्तों का आज का बहुत बहुत इंतज़ार था, और मुझे खुशी है कि वो अपना सर उठा के वापस आया है, और मुझे यकीन है कि सारा मुल्क उसे बिल्कुल प्यार से और इत्मीनान से गले लगाएगा। एनी चेंजेस जो आप देख रहे हैं उनमें? नहीं, वही उसका एक हंसी मजाक का जो एक हमेशा रहता है, ऑलवेज़ पॉजिटिव, ऑलवेज़ वेरी सपोर्टिव, वेरी लविंग। उसकी जो फितरत है, वो इंसान की फितरत तो कोई बदल नहीं सकता। आई एम हैप्पी दैट इस तजुर्बे से गुज़रने के बाद भी वो उतना ही हंसमुख है, उतना ही प्यार जताता है दोस्तों के साथ। वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी पॉजिटिव। न्यू हेयर स्टाइल ना? हाँ, वो तो मेरे ख्याल से जहाँ तक स्टाइल का सवाल है, संजय दत्त हैज़ बिन अ पायनियर ऑफ चेंजेस। चाहे पहले उन्होंने लंबे बाल किए थे, फिर काफ़ी अपने लुक के साथ एक्सपेरिमेंट किया है, और ये एक ट्रेंड सेटर रहे हैं हर दौर के लिए। चाहे कपड़े हों, चाहे चलने का अंदाज़ हो, चाहे बाल काटने का अंदाज़ हो, चाहे कपड़ों का अंदाज़ हो, हमेशा संजय दत्त को ही फॉलो किया है इंडस्ट्री में। कुछ एनी सेलिब्रेशंस आप प्लान किया, कुछ ऐसा पता चला आपको? नहीं, मैं बहुत छोटी मीटिंग हुई, क्योंकि अभी आए हैं, अभी फुर्सत से होगा जो भी होना है। इस वक्त तो यही है कि मेरे ख्याल से एक सुकून महसूस हो रहा है सबको, और उस सुकून में ही बैठे हैं सब। हम तो मिल नहीं पाए, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे कि हमने सुना कि कुछ बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है पनवेल में, कुछ इस तरह? नहीं, ऐसा मुझे तो कोई पता नहीं है, और होगा भी तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। काफ़ी मुश्किल दौर से गुजर के कोई लौटा है, तो जाहिर है कि सब खुशियाँ जताएँगे। बट इस वक्त तो बहुत ही शांति का माहौल है, बहुत ही पीसफुल हैं सब लोग, और प्यार मोहब्बत से बैठे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और सीधा मजा क्या है? रोल आप तो भेजो काट खुद करे। ओहो चला यार, ऐसा खड़ा नहीं करो। तुला काय करत असं मजा आ रही है? अरे बेल्ट के ऊपर पड़ी है, पड़ी है। अरे क्यों ना ये और कौन है साथ में, कौन है भाई? हैं और कौन कौन है सर उसके साथ में? ओ हीरोइन नहीं है क्या? धमाल पिक्चर देखा? धमाल, हाँ, रितेश देशमुख था और कबीर खान। देखो अभी, देखो तुम, देखो कौन है अभी। रितेश सर रितेश जी गाड़ी पुढे गई यार। अरे दोघांची गाडी आली यार, तिघांची गाडी आली। नाही टेन्शन घेऊ नका, भेटेल ना? नाही ना मगाशी मारलास ना? अरे माझा फ्लॅश ना जास्त फ्रेम ना पुढे गेले। बुटं भारी घेतलं खाना। ये बोल तू नहीं बोलना। 1500 लाइट है। सर प्लीज, सर प्लीज एक गाड़ी पड़ेगा दादा, गाड़ी पड़ेगा। सर बाबा के साथ, हाँ सर। सर आशीष सर लेफ्ट सामने दादा, सामने कितने सर? यार लेफ्ट साइड सर, ये लेफ्ट सर, ये लेफ्ट सर, ये लेफ्ट सामने कितने सर? थैंक यू। ओके बेटा, ओके फाईल करायला काहीतरी भेटलं का? हा भोकले लवकर काहीतरी भेटलं।